जिनके लिए हम ये खिदमत कर रहे हैं ना, वो ये देखे कितने आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये जो है ना, ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और ये है हमारे हाफिज साहब का। होपफुल कि इस मरतबा कोई मुझे छोड़ेगा नहीं। अगर किसी ने मुझे छोड़ दिया ना, तो मैंने सबके जानवर छोड़ देने, जाने दो नहीं है। और अभी भी ये यहीं पे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? से उम्मीद करता हूँ खैर होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि लाइटिंग वगैरह होगी या जानवर तो जो मैं ले आया था पहले व्लॉग में आपने देखा, दो जानवर जो हमारे रह गए थे जो मैंने आपको दिखाने थे, तो जब ले आए हैं तो उनके लिए जगह वगैरह भी हमें इंतजाम करना है, ठीक है, मेनटेन करनी है, जहाँ उन्होंने बैठना है, जहाँ उन्होंने खाना पीना है और जहाँ उनके साथ हमने बैठना है, उस जगह को हमने बिल्कुल रेडी करना है। तो हम बहुत टाइम से शुरू हो गए होते पहले, सबसे पहले तो मैंने यहाँ मेरे ऊपर देखने रॉड लगा हुआ, ठीक है, लाइटिंग का मैंने इंतजाम किया है, ये मेरे पीछे देख सकते हैं सब कुछ पड़ा हुआ है, लाइटिंग का इंतजाम किया। उसके बाद हम जगह क्लियर कर रहे हैं, साफ़ सुथरी कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ जानवर बैठेंगे ताकि वो ईजी रहें। और दूसरी बात, साथ ही साथ वो रोड भी क्लियर कर रहे हैं जहाँ पर फिर हमने भी साथ बैठना है, ताकि लोग आए जाएँ, जगह अच्छी लगे और जानवर ईजी रहें। तो सुबह इन शाला इसके ऊपर तरपाल भी लगाएंगे, अभी बहुत लेट हो चुका है ना, तो इससे तरपाल नहीं लग सकती, वो सुबह लगाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना हजूम जमा है, कितने सारे लोग जमा है माशाल्लाह। अभी फ़िलहाल हमारे ही वो जो चार पांच जानवर आए हैं, एक चाचू का, दो कज़न के और एक दोस्त का आया, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जैसे जैसे ईद के एक दो दिन और करीब होते जाएंगे मजीद, तो जानवर बढ़ते जाएंगे। फिलहाल मैंने बच्चों को लगाया हुआ है काम पर और जगह मैंने खुद भी काम करूँ, मेरा बहुत बुरा हाल है। और सारी जगह हमने क्लियर कर दी है माशाल्लाह तकरीबन, तो बाकी कुछ रोड का हिस्सा रहता है और कुछ ये हिस्सा रहता है इस तरफ। ये पीछे हमने देखे, इसके ऊपर कालीन वगैरह भी छा दिए हुए हैं, यहाँ पे बचरी पड़ी है ताकि जानवर को ना कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पे इंशाल्लाह कल सुबह दो दिन के लिए ठोक देंगे, तो जगह बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे मेहनत हो रही है, लड़के काम कर रहे हैं। ये सारी जगह हमने देखे, ये सब जगह हमने साफ़ की है, वहाँ पे पीछे हमने किली लगाई हुई है, सुबह इंशाल्लाह एक वहाँ पे किली लगा देंगे उस जगह पे, और एक इस हिस्से में लगा देंगे कॉर्नर में, ताकि ये तीन इधर आए, उसके ऊपर छत पे अंतर इधर तरपाल लगा देना ताकि छांव बनी रहे और जो जानवर है ना उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे अभी इंशाल्लाह कुछ ही देर में कूलर और पंखे वगैरह का इंतज़ाम भी करेंगे। और ये मुजाहिद जो हैं देख रहे हैं, ये लगे हैं, इनको मैंने कहाँ पर लगाया हुआ है, ये माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, काम वगैरह कर रहे हैं। ये जहाँ पर बहुत कचरा था हमने जगह साफ़ की है ये के लिए, और ये जगह क्लियर की है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये सब इंशाल्लाह साफ़ करना। अभी ये सारा ये रोड ये सब हमने क्लियर करना है, और जानवर वो सामने बांध दिए हुए हैं एक दो तीन चार, ताकि एक साइड पे किए हुए हैं, इंशाल्लाह फिर सुबह वो हिस्सा भी क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल वो हिस्सा जो है ना यहाँ तक, ठीक है ना, ताकि पता चले कि वाकई यहाँ पे इंसान रहते हैं, तो इसीलिए जगह को पहले क्लियर करना ज़रूरी है। और इंशाल्लाह जानवर आ गए हैं, बच्चों का हल्ला गुल्ला, अभी तो रात के तकरीबन एक बज रहा है, तो जो है ना रश बहुत कम हो चुका है, वरना बच्चे ओहो माशाल्लाह बेइंतहा बच्चे हैं। जगह जगह पे हमने सफाई कर दी है, लेकिन मुँह से इतनी स्मेल आ रही ना, जो जानवर से नहीं आती बच्चों से बैठों से, वो स्मेल आ रही है मुँह से बेइंतहा, और सब माशाल्लाह खुश हैं। दो तीन अब कल क्या है, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, तीन दिन है, और फिर इंशाल्लाह तीन दिन बाद ईद है, पीर वाले दिन ईद है, तो अभी इंशाल्लाह शोर मेरा लगेगा, चारपाई वगैरह लाएंगे, चेयर्स वगैरह लाएंगे, बाहर रखेंगे, ठीक है, कूलर भी लगाएंगे और पंखा लगेगा, ठीक है, तो बैठेंगे लड़के की महफिल जमेगी, थोड़ा सा शोगल होगा, ताश वगैरह होगी, इसी जगह पे अभी देखते रहना, या तो महफिल बहुत जम जाएगी या फिर भाग जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊँगा, हर साल की तरह हमेशा ऐसे होता है, मैं अकेला रह जाता हूँ। तो इंशाल्लाह होपफुल कि इस मरतबा कोई मुझे छोड़ेगा नहीं, अगर किसी ने मुझे छोड़ दिया ना, तो मैंने सबके जानवर छोड़ देने, जाने दो, नहीं सफ़र ला कभी नहीं, बहुत मेहनत से उन्होंने दिए, तो इंशाल्लाह केयर करेंगे। और ये हमारे डोरेमोन है, जो कब से मेहनत किए जा रहे हैं, माशाल्लाह, ठीक है ना, ये तहाम खान, इन्होंने बहुत मेहनत की है, और साहब ने एक साइड पे जो जितना भी कचरा ना वो कर रहे हैं। और मेन बात ये है ना कि हमारे पास ना कई है, ना बेलचा है, ना कोई और ऐसा औजार है जिससे हम ये सब इजीली वो कर सकें, हाथों से ये उंगलियों से कर रहे हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकें कि कितनी मुश्किल है, कितना मुश्किल हो रहा है हमें। ये इंशाल्लाह इस जगह पे अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं दिख रहा, मे बी एक दो दिनों में इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा। भी मज़ीद साथ आगे कोई नई इंटरेस्टिंग कोई चीज़ आती रहेगी तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, नहीं तो फिर कल सुबह तो मिलेंगे इंशाल्लाह।
जिनके लिए हम ये खिदमत कर रहे हैं ना, वो ये देखे कितने आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत शरीफ जानवर हैं। लेकिन अभी इस वाले को जो बंदर ले गए थे ना फैमिली को दिखाने के लिए, तो वापसी में इसने फैमिली को दिखाया कि भाई मैं हूँ, तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है, मजाक है क्या, दही बड़े क्या बड़े। और ये वाला जो है ना फिल वक्त तो शरीफ है माशाल्लाह, बाकी आगे अल्लाह रखे। लेकिन कोई बात नहीं, घबरा भी जाते हैं, ठीक है। ये एक दो माशाल्लाह, ये है चाचू मेरे का, ठीक है, वो है मेरे कज़न का, ठीक है। और ये दोनों सेम प्राइस में आए हैं, और ये भी मेरे कज़न का है, ठीक है, और ये 150 में है माशाल्लाह, ये भी अच्छा है। और ये जो है ना ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और ये है हमारे हाफ़ साहब का, ये हाफ़ साहब का है जी। और माशाल्लाह हाफ़ साहब को ना हर मरतबा बहुत ही खूबसूरत जानवर मिलता है, लास्ट टाइम भी बहुत ही प्यारा जानवर इनको मिला था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माशाल्लाह। तो ये भी है, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, 2 लाख में आज के जो रेट चले उसके मुताबिक ये बहुत ही मुनासिब प्राइस है। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर के कहते हैं चीज़ वगैरह लेने, और भाई जान को थोड़ी सी पटीक डालने के, भाई हमें बोतल शोतल तो पिलाओ, थक गया इतना काम किया, ऑब्वियसली जा रहे इतने सारे बच्चे लगे हैं, मेहनत होती है, पसीना निकलता है, तो कुछ अंदर जाएगा तो फिर वो जोश मारेंगे, तो फिर मज़ीद आगे काम भी करेंगे। तो अभी मैं लेने जा रहा हूँ कूलर का जुगाड़ लगाने, अगर वो मिलता तो ठीक है, नहीं तो पंखा, नहीं तो फिर कुर्सी लेके वही बैठ जाएंगे, फिर सारी रात अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तौबा तौबा करते रहेंगे। तो अभी चलता हूँ ऊपर भाईजान के पास, कूलर तो नहीं मिल सका लेकिन पंखा ले आया हूँ और चेयर्स भी ले आया हूँ, उसके साथ अपना लिडो चल रही है, छोटा बैठा हुआ है, कज़न बैठे हुए हैं, भांजे भतीजे सब बैठे हुए हैं, लिडो खेल रहे हैं। और थकावट की वजह से चेहरे ऐसे हो गए ना जैसे पता नहीं कोई 40-35-40 साल का बाबा नहीं होता, 35 साल का बाबा तो नहीं होता, होंगे बाबा तो 50+ होता है, 35-40 साल वाला जो बंदा था ना वो लग रहा है ऐसे फेस पे टक रहा, क्योंकि थकावट हो रही ना बहुत ज़्यादा। और बोतल का भी प्रोग्राम हो रहा है, पैसे थोड़े से कम है, जुगाड़ लगाया अभी किसी को बली का बकरा देख के उसको छुरी फेरते हैं, तो गेम खेल रहे हैं। चैन साहब को कह रहे हैं कि भाई 200 मैं देता हूँ, बाकी तुम इधर और एक जंपो ले आओ, तो भी सब थोड़ी थोड़ी फीलिंग इंजॉयमेंट हो जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने सोचा था कि नहीं ऐसे उसमें दिन हाथ, लेकिन सुस्ती बहुत ज़्यादा पड़ रही है और वीडियो चल रही है। वो तो अभी निकली है तेरी। अच्छा जी, ये शायान साहब ये हमेशा बाहर इनका दिमाग चलता है, गेम में जब ये आते हैं ना तो इनकी नागरी नाक वो इनकी आंखों के सामने आती, फिर उनको गेम दिखाई नहीं देते कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। हमारा एक बशिंदा बेचारा वो पीछे बेचारा बहुत ज़्यादा थका हुआ है, सो गया हुआ है थकावट से। और ये जैन साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने सुबह भी ड्यूटी देनी है और अभी भी ये यहीं पे हैं। सही है, ये पिछले दिन सुबह इंशाल्लाह उधर से जाना है, तो हाँ साहब इंशाल्लाह शॉप पर जाएंगे अपनी, और मैं तो वेला हूँ ना, तो मैं जा कर सो जाऊँगा, मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। नाक को आना कोई बोतल शोतल ही कर दो, मैं देता हूँ ना 200 मैं देता हूँ, बाकी तुम करो जंबो ले आओ, इसका इसका ये हाल है। तो फिर हम तो वैसे साढ़े तो पेड़ा ही करके ना वेले जिप बंद कर दे। और वो हमारा मेहमान है वो पीछे बैठा हुआ है, या अल्लाह ये दूर दूर से मुस्कुरा रहा है, चाइना का डड्डू। ये बेचारा गांव जाना नहीं चाहता, इसका यहाँ पे दिल लगे हुए, लेकिन इसकी टिकट्स हो चुकी हैं, अभी कल इंशाल्लाह ये वापस रवाना होगा, ऐसे इशारे कर रहा है मुझे, तो कल इंशाल्लाह ये वापस, फिर ईद के बाद हमारा जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह जा रहे हैं बीर कुमार भी जाएंगे इंशाल्लाह, और वहाँ पे स्पेशली बीर में बहुत ही जो खूबसूरत जो बेइंतहा जो किसी ने नहीं देखी, मैं भी जैसे कि स्वाद तो सबने देखा, ठीक है, कलाम देखा है आपने, बहरीन देखा है, मदीन देखा है, मालम जबा देखा है, तो दीर में आप सिर्फ वो भी बहुत कम लोग जो कुमराट के बारे में जानते हैं, तो कुमराट की जो
खूबसूरती है आपको उससे आगाह करेंगे और मज़ीद वहाँ पे जो खूबसूरत जगह उनको एक्सप्लोर करेंगे और मे भी आप मेरी मदद करोगे ये सब वीडियोस जो है दूसरों तक पहुँचाने के, ताकि उनको पता चल सके कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। फिर ऐसे ही जो सियाहत है, जो टूरिज़्म है, वो बढ़ेगी और टूरिस्ट आएंगे तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान भी जो है ना खूबसूरती में एक अपना एक मुकाम बना लेगा। तो ये सब ऐसे तो नहीं होगा, आपकी मदद से होगा। आप सपोर्ट करोगे, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स करते जाओगे तभी होगा, ठीक है। और जितने भी मेरे दोस्त हैं वीडियोस यूट्यूब पे मेरे साथ, तो उनको मैं ये कह दूँ कि फेसबुक पे भी मेरा पेज है बादशाह व्लॉग्स के नाम से, या जाएँ वहाँ पर फॉलो करें। और जो फेसबुक पे मुझे फॉलो कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर आ जाए और वहाँ भी मुझे सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल बेल आइकॉन का बटन ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है। और इंशाल्लाह इसके बाद एक मुकम्मल सीरीज चलेगी जो नॉर्दर्न साइड है उसे एक्सप्लोर करेंगे, आप और मैं हम सब मिलकर हमारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। स्ट्रगल है, मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ इंशाल्लाह। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये शायान साहब लीक कर गए हैं, लीकी जो हो रही है शायान साहब की, वो सामने बैठे हुए हैं। इधर देखो ना, कैमरे को देखो ना, इधर करके ये कैमरा बंद कर दे, आए कर दिए चल बंद हो गए। देख अब तो तेरी हिम्मत ही पड़ रही बहुत अल्ले शेर वाले। दो बशीने पीछे लेट गए हैं जी, बोतल मंगवानी पड़ेगी तभी चार्ज होंगे। मेरा दिल कर रहा है बोतल पीऊँ, जोश हो गया बोतल पिला दे शयान, बस कर दे अब। मैं दे रहा ना 200, हाँ दे ना 200, 200 मैं देता हूँ, बाकी तू कर ले है ना। डेढ़ लीटर आ जाएगी 200, डेढ़ लीटर आ जाएगी। बंदे इतने सारे हैं माशाल्लाह, जंबो होनी चाहिए। क्या सोच रहे हैं? हाँ मेरा गाना आ गया, कैमरा बंद कर दे। चलो तुझे ही बड़ी का बकरा बनना पड़ेगा फिलहाल, बोतल की फिर वो चीज करो। डालो काट, डालो काट, उनका छः अंक ये चार। शायन साहब ने तो बोतल नहीं पिलाई, भी पिलानी पड़ी, और वेल डेड हो गया था, बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी, इसकी वजह से मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता। हाँ हाँ वो आओ, क्यों नहीं, हाजला भी आया है, बात करो ना कुछ ऊँची ऊँची बोलो, क्योंकि वो सामना शोर है ना मक्के का, वो बात है इसीलिए। सुबह हो गई है, दिन चढ़ चुका है, अभी सेकंड शिफ्ट लगेगी हमारा, तो टाइम हो गया आराम करने का, जाएंगे फ्रेश हो गए और फिर आराम करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम दोबारा इंशाल्लाह दिन में मिलेंगे, दोबारा जब आएंगे अपनी ड्यूटी पे। अभी एक एक कट्टा बांधा हुआ है, उसने बहुत तंग किया हुआ है, दूसरा ये कट्टा फिर रहा हमारा, देखे ना क्या इसी नौज है। और वो सामने जो ये कट्टा है ना, इसको रिक्शे से बांधा हुआ, ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और इसे संभालना बहुत मुश्किल है, किसी नत भी नहीं पड़ी। तो इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये नॉस। Oh.